नमस्कार। झारखंड के चुनाव नतीजे आ गए हैं और ये अब तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सत्ता से विदाई होने जा रही है। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर बीजेपी से चूक कहां हुई है, बीजेपी की रणनीति में कोई चूक रही या विपक्ष के गठबंधन ने बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ा, बहुत एक अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा और बीजेपी को राज्य की सत्ता से बाहर कर दिया। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है राजनीतिक विश्लेषक लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में झोंका था और पार्टी लग रहा था कि वो इस चुनाव को, झारखंड के विधानसभा चुनाव को आसानी से जीत लेगी। लेकिन हुआ जो तस्वीर आई वो उसके उलट आई और जो राज्य में बीजेपी की सरकार की विदाई का रास्ता तय हो गया। दूसरी ओर जो सबसे बड़ा सवाल इसमें खड़ा हो रहा है वो ये कि इसके बाद, झारखंड के बाद अब जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जैसे अभी अगले 2 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या बीजेपी के लिए झारखंड की इस हार से वहां कोई मुश्किल खड़ी होगी? और उसके बाद जो इससे भी अहम सवाल है वो ये है कि झारखंड से लगता हुआ राज्य है बिहार, और आज जिस गठबंधन ने राज्य में झारखंड में बीजेपी को हराया है, उसी गठबंधन के दो राजनीतिक दलों को जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, इन दोनों दलों को बिहार में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में झारखंड की हार से बीजेपी के लिए एक तो दिल्ली की मुश्किल बड़ी है, क्योंकि एक राजनीति में जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव काम करता है वो दबाव इससे बना है, क्योंकि मैंने और आप लोगों ने भी टीवी पर यह देखा कि जैसे ही झारखंड से बीजेपी की विदाई की खबरें आई हैं तो जो विपक्षी नेता हैं जैसे अखिलेश यादव हैं, उन्होंने ट्वीट करके जो भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, उन्हें बधाई दी है, और तेजस्वी यादव तो उनके गठबंधन के साथ ही, उन्होंने हेमंत सोरेन को बधाई दी है। तो मैसेज विपक्ष के नेता ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो एकजुट होकर लड़े तो वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। यही हमने महाराष्ट्र के अंदर भी देखा, क्योंकि महाराष्ट्र में जब शिवसेना और बीजेपी के बीच सियासी तकरार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हुई तो कांग्रेस ने वहां विपरीत विचारधारा वाली शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने में सफलता हासिल की। ऐसे में जो विपक्षी दल हैं उनके अंदर एक ये आम धारणा बन रही है कि अगर वो एकजुट हो जाएं तो राज्यों में बीजेपी को मात दे सकते हैं। अभी वैसे केंद्र के चुनाव बहुत दूर है, लेकिन लगातार अगर इस तरह राज्यों में विपक्षी दल एकजुट होकर लड़े तो स्थिति यह बन रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें हर दिन आपका नहीं होता और ये आप नहीं कह सकते कि कल आप जीते थे तो आज भी आप ही जीतेंगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की 7 राज्यों में सरकार थी और उसके बाद अमित शाह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव जिताए और इनका जो विजयी रथ था भारतीय जनता पार्टी का वो 2014 में हरियाणा, महाराष्ट्र से होता हुआ 15, 16, 17, 18 तक बहुत तेज गति से दौड़ा। इन चार सालों में अगर आप दिल्ली और बिहार और कुछ एकाध राज्यों को छोड़ दें तो पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली और मोदी और शाह की जोड़ी को एक तरह से अजेय माना गया कि ये जो जोड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में चुनाव जिता सकती है। लेकिन दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने जो इन तीनों राज्यों की बीजेपी सरकार थी उसको हरा दिया और उसके बाद एक ये भ्रम टूटा कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता या भारतीय जनता पार्टी अजेय है। हालांकि लोकसभा के चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली, लेकिन उसके बाद जब सियासी तस्वीर बदली, जैसे मैंने कहा कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें हर दिन आपका नहीं हो सकता, बीजेपी 2019 में जितनी बड़ी जीत के साथ केंद्र की सत्ता में आई तो उसे ये लगा कि वो अक्टूबर में, अभी से कुछ महीने पहले जब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे के चुनाव हुए तो उसने ये माना था कि उसे इन दोनों राज्यों में बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट।
उसे 2014 में जो इन राज्यों के चुनाव परिणाम था उससे भी कम सीटें मिली। महाराष्ट्र में तो वो सरकार ही नहीं बना सकी और हरियाणा में उसको एक बिल्कुल नई नवेली पार्टी जननायक जनता पार्टी को सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ी, जो वो कभी नहीं चाहती थी, जबकि उसका जो लक्ष्य था हरियाणा में 90 में से 75 सीटें जीतने का था। और महाराष्ट्र में भी वो इस आस में थी कि नरेंद्र मोदी के जो जादू जो है मतदाताओं पर अगर वो चलेगा तो वो अकेले सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी अलर्ट थी। झारखंड में उसने पूरी ताकत झोंकी, प्रधानमंत्री ने कई चुनावी रैलियां की, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने चुनावी रैलियां की, सारे नेताओं को पार्टी ने वहां पर लगाया, लगातार वहां सभाएं हुई, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो नतीजे ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चूकी है। और चाहे वो जो अपने वरिष्ठ नेता रहे उसके वहाँ सरयू राय, उनकी बगावत के कारण उसको कोई नुकसान हुआ, या उसको कोई नुकसान हुआ है जो उसके सहयोगी दल थे जैसे आसू था, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, उसने वहाँ अलग चुनाव लड़ा। एलजेपी और जेडीयू का बहुत जनाधार झारखंड में नहीं है, लेकिन उन्होंने अलग चुनाव लड़ा। तो ये कुछ बातें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर नुकसान हुआ है। तो इस तरह अगर आप देखते हैं कि बीजेपी 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जिस तेजी से आगे बढ़ी, दिसंबर 2017 तक ऐसी स्थिति थी कि देश के 71% नक्शे पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा रंग जो है छाया दिखता था। लगभग 20 से 21 राज्यों में उसकी अपने दम पर और सहयोगी दलों के साथ सरकार थी, लेकिन दिसंबर 2019 में ये जो 71% था वो 35% पर आ गया है। ऐसे में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को इस बात को सोचना होगा कि झारखंड में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी आखिर उन्हें लोगों ने वोट क्यों नहीं दिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली का चुनाव बिल्कुल सामने है, इसी तरह चुनाव नवंबर 2020 में बिहार का है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अगर उसकी रणनीति में कहीं कोई चूक रही है तो वो उसको किस तरीके से दूर करेगी, किस तरीके से जो अपनी हार पर मंथन करेगी, और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर वहाँ पर वो चुनाव लड़ने के लिए जोर देगी। क्योंकि हमने झारखंड के चुनाव प्रचार में भी देखा और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव प्रचार में भी देखा कि बीजेपी का ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों पर रहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना, 3 तलाक को के लिए कानून बनाना, तो और ये भी बताने की कोशिश की गई कि पहले की सरकारों ने राम मंदिर मुद्दे का समाधान नहीं होने दिया और मोदी सरकार ने इस मुद्दे का समाधान किया है। तो ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उन स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उन पर भारतीय जनता पार्टी का इतना ध्यान नहीं रहा और इसी का ये लगता है कि इसी का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। तो जैसे विपक्ष ने वहाँ पर बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ा, हेमंत सोरेन और कांग्रेस और आरजेडी ने वहाँ पे मिलकर चुनाव लड़ा, एक अच्छा गठबंधन बनाया और ये दिखाया कि अगर गठबंधन बनाकर अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी ओर रघुवर दास के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करना पार्टी को, हो सकता है ये एक फैक्टर है जो पार्टी को भारी पड़ा है, क्योंकि पार्टी के अंदर कई बार ऐसी खबरें थी कि रघुवर दास को लेकर पार्टी के कई नेताओं में नाराज़गी है। इस तरह कह सकते हैं कि एक जो आदिवासी चेहरा ना होना ये पार्टी के लिए भारी पड़ा। राज्य में 27, झारखंड में 27% आदिवासी मतदाता हैं और जो रघुवर दास थे वो आदिवासी नहीं थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे भी एक सहानुभूति उनके लिए आदिवासी मतदाताओं के मन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए थी कि उनके समुदाय का कोई व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बने। तो कुल मिलाकर झारखंड के जो नतीजे हैं वो आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि यहाँ से एक मैसेज ये गया है और एक धारणा ये बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी अजय नहीं है, उसको चुनाव हराया जा सकता है, जबकि अभी लोकसभा चुनाव हुए कुछ ही महीने हुए हैं। तो ऐसे हालात में निश्चित रूप से झारखंड के जो चुनाव परिणाम है वो विपक्षी दलों के लिए एक संजीवनी कहे जा सकते हैं, और उन्होंने इसको दिखाया भी है कि वो किस तरह से एकजुट हो सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि दिसंबर 2017 से दिसंबर 2019 में बीजेपी का किस तरीके से वो सिकुड़ती गई, तो ऐसे हालात में पार्टी नेतृत्व को भी इस बात की चिंता करने की ज़रूरत है कि आखिर चूक कहाँ हुई है।
ऐसे ही तमाम राजनीतिक मुद्दों पर जो ताज़ा अपडेट्स होंगे वो आपको सत्य हिंदी की वेबसाइट पर मिलते रहेंगे। जाने से पहले एक अपील मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा कि सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।